सूरजपुर जिला के अंतर्गत SECL जरही के पोणी गांव में अवैध कोयला तस्करी जोरों में है, जहां स्थानीय ग्रामीण कोयला चोरी के पीछे पुलिस की भूमिका ला संदिग्ध बताते हैं। अब ऐसे में अवैध कोयला तस्करी के बंद नहीं होले ग्रामीण मन उग्र आंदोलन की चेतावनी भी देते हैं। SECL जरही जहां अवैध कोल तस्करी जोरों में है, पोड़ी गांव क्षेत्र में अवैध कोयला के कारोबार के शुरुआत हो चुके हैं। जहां कोल तस्कर गांव के ग्रामीण मनला चंद रुपया के लालच देके खदान ले कोयला चोरी करवा के खरीदी कर जाते हैं और उखर तस्करी करत है। स्थानीय ग्रामीण मन के आरोप है कि 5 दिन पहली भटगांव पुलिस लगभग 15 टन कोयला जब्त करे रही, फिर कोयला SECL के सुपुर्द ना करके चोरी छुपे वापिस कोल तस्कर मन तक पहुँचा दिए गए रही। पहले कुछ दिन पहले चोरी कोयला चोरी रुक गया था, लेकिन SECL और पुलिस वाले के मेल जोर से चोरी कोयला चोरी फिर से चालू हो गया। स्थानीय जनता की शिकायत हुई थी कि वहाँ पर कोयला चोरी हो रहा है, इस सूचना पे हमने पुलिस वालों को भेजा था वहाँ पर और पुलिस ने कार्रवाई भी की वहाँ पर। और बाकी जो आप अभी बता रहे हैं कि कुछ शिकायतें हुई हैं कि कार्रवाई नियमित रूप से समय पर नहीं की गई है, तो उसकी जांच मैं वरिष्ठ अधिकारी से कराता हूँ। जैसा जांच रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे उसमें। निश्चित जैसे मैंने कहा कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा, और जो अभी आप बता रहे हैं उसमें किसी वरिष्ठ अधिकारी से मैं जांच कराता हूँ, जांच पर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूँगा। बहरहाल पौड़ी क्षेत्र में शुरू हुए अवैध कोल तस्करी में भोला भाला ग्रामीण मनला अपराधी बनत देख शासन प्रशासन की आँखी कब तक खुली ये देखे वाला बात हुई। सूरजपुर ले डिजिटल रिपोर्टर अख्तर अली की रिपोर्ट।